पाकिस्तान से ही मुखबिर गीता को उसके परिजनों से मिलाने का प्रयास इंदौर पुलिस के साथ ही जीआरपी भी कर रही है। दरअसल गीता ने अपने गांव में मौजूद रेलवे स्टेशन की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसके आधार पर जीआरपी पड़ताल कर रही है। मंगलवार को गीता जीआरपी एसपी ऑफिस पहुंची। इस दौरान जीआरपी एसपी किरण लता केरकेटा ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर गीता से गाँव के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान गीता को कुछ रेलवे स्टेशनों के फोटो भी दिखाए। एसपी किरण लता केरकेटा के अनुसार गीता द्वारा बताए गए रेलवे स्टेशन का पता लगाया जा रहा है। वर्तमान में झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जीआरपी अधिकारियों के साथ गीता को कुछ स्टेशन को देखने भेजेंगे, जिससे वह उक्त स्टेशन को पहचान सके। इंदौर पुलिस और जीआरपी हर संभव प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द गीता को उसका खोया हुआ परिवार मिल जाए। इस तरह से अभी तक बात सामने आई है, वो जीआरपी किस तरह से प्रयास कर रही है? गीता हमारे पास आई है हेल्प मांगने के लिए कि उसके परिजनों को किसी तरह से ढूंढा जाए। तो जो वो चिन्ह बता रही है अपने बचपन के, जो उसको मालूम है वो बता रही है, तो इस आधार पर हम भी इसको हेल्प करेंगे ढूंढने के लिए। और वो मदद चाह रहे हैं कि हमारे साथ रेलवे स्टेशन पर कोई जवान चले जाए, तो हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो क्या सामने आया कि जिस तरह उन्होंने स्टीम इंजन भी बताया 2000 साल की बात है, और घर के बाहर के जो रेलवे स्टेशन के बारे में बता रहे हैं, अभी जो मुझे इन्होंने एक छोटा सा एक दिया है बायोडाटा, उसके अनुसार तो ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के आसपास की कोई जगह बता रहे हैं। और जो जिस जो बता रहे हैं वो उस हिसाब से तो बता रहे हैं कि मंदिर है, रेलवे स्टेशन है, मंदिर पर नहाकर स्नान करके जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं। तो अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र। तो इन स्टेशनों पर हमारे जो भी हमें सपोर्ट बनेगा, हम उनके साथ में अपने अधिकारियों को भेज करके उनको पूरी मदद करेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल